ये अपना 72-94 बोर्ड आज इसकी पूरी वायरिंग देखते हैं किस प्रकार वायरिंग होगी। बाकी इसमें वायरिंग का कुछ है नहीं, सीधी सीधी वायरिंग है। ये अपना 72-94 बोर्ड 100+100। ये इसका ब्रिज और ये कैपेसिटर आके एसी को डीसी सप्लाई दी जाती है इसमें। बाकी इसमें दो फ्यूज हैं और इधर अपना 0-12 सप्लाई लगेगी। 0-12 इधर देने पे डायोड के द्वारा ये एसी से डीसी हो गए, यहाँ पे +12 और -12 मिलेगी जो अपने प्री एम्प के लिए लगेगी। बाकी यहाँ पे अपना 24-0-24 की सप्लाई लगेगी। ये रही अपनी 24-0-24, ये रही अपनी 0-12। एसी 0-12 देने पर ये यहाँ से डायोड के द्वारा डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे अपना +12 वोल्ट मिलेगा। बाकी ये अपना इनपुट है, ब्लूटूथ लगाओ चाहे ऑक्स लगाओ जिससे ये बोर्ड चालू हो जाएगा। और ये अपने एक चैनल की आउटपुट और ये दूसरे चैनल की आउटपुट है, ग्राउंड एंड प्लस। ये भी ग्राउंड और प्लस, ये अपना लेफ्ट और राइट हो गया। बाकी इसकी हीटसिंक भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें 72-94 की ऐसी लगी हुई है और इस कैपेसिटर भी काफ़ी बढ़िया है। और इसके साथ लगने वाला प्री एम्प, ये रहा इसमें लगने वाला प्री एम्प, जो कि ये यहाँ पे प्लस और माइनस वोल्ट से चलेगा। ये रहा अपना प्लस और माइनस, जो कि इस बोर्ड में से मिल जाएगा एसी को डीसी बनाने के बाद, जो कि यहाँ पे लग जाएगा माइनस प्लस और प्लस 12 वोल्ट लग जाएगा। और यहाँ से 78.5 की एसी लगा के इसी में 5 वोल्ट आउटपुट भी मिल जाएगी हमें, जो कि ब्लूटूथ के लिए रहेगा। इस तरह का ब्लूटूथ हो, कोई सा भी ब्लूटूथ आप लगा सकते हो। ये रहा ब्लूटूथ, इसमें इनपुट होगी जो इसकी ये वायर है, जो बोर्ड की वायर है, पहले इसमें लगेगी इनपुट, आउटपुट अपना उसमें लग जाएगी। इस तरह इसके कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। बाकी इसमें वॉल्यूम बेस और ट्रेबल दे रखा है। और इसके साथ लगने वाला ट्रांसफार्मर 24-0-24 5 एम्पियर चाहे 7 एम्पियर लगा सकते हो। ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी है, इसका वेट करीब 3-4 किलो के आसपास है, 5 किलो अप्रोक्स होगा। ये पूरा अपना 72-94 72-94 बोर्ड का पूरा ऑल स्पेयर पार्ट है। सारा 72-94 बोर्ड अब इसी बोर्ड को यूज़ करके टावर स्पीकर बनाएंगे, डबल टावर स्पीकर।